बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी ना ये लाइट लगाने का काम में मसरूफ था। देखो लाइट लगाई है, कितनी ज़्यादा रोशनी, और मतलब कि अब तो व्लॉग बनाने का मज़ा ही अलग है ना सच्ची में। तो लाइट काफ़ी बड़ी सारी लगी, रोशनी इसकी चक्कर आम जो दूसरा बल्ब है उसकी रोशनी है सामने, छोटी छोटी सी लाइट लग रही है, ऐसे लग रहा है। देखो इतनी बड़ी लाइट है, और ये देखो नीचे सारी गंदगी फैल गई है, मेरे सारे औजार पड़े हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल नीचे से मुझे आवाज़ आई है, उन्होंने कहा गंदम लेके आ रहे हैं अंकल, आप जल्दी जल्दी से ना बाज़ार से पटोला ले आओ। पटोला तो हमने आज सुबह पता करके आए थे, तो वो तो अब बस उठा के लेके आना है। जो गंदम है आपको पता है, हर साल मतलब कि गंदम जमा करके रख लेते हैं, पूरा साल वही इस्तेमाल करते हैं। तो गंदम हमने पहले खरीदी हुई है, बस ना अंकल रिश्ते पे लेके आ रहे हैं जिनसे खरीदी हुई है। तो मेरा काम ये है कि मैं जाऊँगा बाज़ार, हमने ना एक पटोला जो होता है ना, मतलब कि जिसमें गंदम डाल के रखते हैं, बड़ा लोहे का मतलब बना होता है एक, मैं आपको अपल तो दिखाऊंगा ही, तो वो ना लेके रखा हुआ है हमने बाजार में, बस लेके आना है। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं बाजार से वो पटोला लेके आते हैं, ताकि अंकल जो गंदम लेके आ रहे हैं ना वो आके सीधा पटोले के अंदर डाल दें। अगर जल्दी टाइम पे ना आया तो यहीं नीचे गंदम उतार के चले जाएंगे, मुझे बाद में एक एक बोरी उठा के ना उसके अंदर डालनी पड़ेगी पटोले के, तो काफ़ी ज़्यादा खप जाऊँगा मैं। तो इससे बेहतर ये है कि जल्दी जल्दी जाकर पटोला ले आऊँ, जो अंकल आएँगे ना गंदम उतारने वो सीधा ही पटोले के अंदर डाल देंगे, तो ये काफी आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो अभी चलते हैं फिर, चलो उठो साकिब, तुम भी आ जाओ यार। यार इसकी गेम जब भी देखो ना, इसकी गेम चल रही होती है, ये किसी की बात नहीं सुनता। तो अभी चलते हैं फौरन नीचे, ओए आ जा जल्दी कर यार। और इसके अलावा ना देखो, मैं कमरे की चीजें सेट कर रहा था, ये सप्लाई ना ये भी खराब हुई पड़ी है। आपको पता है गर्मी कितनी ज्यादा है, गर्मी में ना छत में ना मुझे बहुत पसीना आता, ना ही सोया जाता है चैन से। तो इसलिए ना ये है सप्लाई, इससे ये होता है जो कूलर पंखा है ना वो स्पीड में चलता है, और वैसे सोलर पेड़ लगी हुई है, सोलर पेड़ पे चलता रहता है, लेकिन जब धूप कम होती है ना तब पंखा तो चलता है, लेकिन साथ जो मोटर होती है ना पानी वाली वो नहीं चलती। ये सप्लाई बेस्ट है, ये साथ मोटर भी चलती है पानी वाली, और जो है पंखा होता है कूलर पंखा वो भी चलता है, तो काफ़ी ठंडी हवा आती है, मज़ा आता है सच में सोने का। तो ये भी सेट करवानी, ये ख़राब हुई पड़ी है। ओए इसे आ जाओ, इसे बिठा दो आगे, अभी चलते हैं फिर बाजार की तरफ। बाजार आ गए हैं, और मौसम चेक करो कितना कमाल का, सच में लेवल का मौसम हुआ पड़ा है, और काका हमारा खुश हो रहा है। ओए ओए काके पके। अभी हम उस शॉप पे आ गए हैं जहाँ से हमने ना ये अपनी सप्लाई ठीक करवानी है। अस्सलाम वालेकुम, ये सप्लाई ठीक करवानी है, इसका फैन उतरा हुआ और तारें इसकी होती हैं जो लगाने वाले तो कूलर को, वो शायद उतरी हुई है। सर जी अभी नहीं देख देंगे यार, सुबह किस टाइम मिलेगी? 12:00 बजे। ठीक है, ये देखो भाई सप्लाई हमने दे दिया, अंकल कह रहे हैं सुबह मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, तो अंकल ठीक है सुबह सेट कर देना फिर। चलो यार, हमारा बच्चा जो हमारा काका ना पता यही बैठा हुआ है, देवदास बना हुआ है, देखो कैसे गुम हुआ, सोच किसी सोच में गुम है, पता ही नहीं है आसपास। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिस पटोले की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, पटोला 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 बोर्ड ही जा रहा हूँ भाई, वो मतलब बॉक्स दिखाता हूँ जिसके अंदर दाने डालते हैं। ये देखो भाई, ये है पटोला जिसमें दाने डालते हैं। मेरे यकीन के हिसाब से ज़्यादा को पता होगा, कोई एक आधा होगा जिसे यार नहीं पता होगा, इसलिए उसे बता देते हैं भाई ये वाला है पटोला, तो हमने ये लेके जाना है, ये वाला नहीं, वो जो लेना है वो लेके जाना है। तो अब बस ये रिश्ते पे ना वो वाला पटोला उठा के रखेंगे और फिर घर की तरफ ले जाएंगे। ख्याल कर यार, तो अंकल दे नाल ही बैठ जा ना, सीट फाड़ के बैठी सही है। अंकल ने ना ये दाने वाला पटोला ना इसे बांध लिया, वो कह रहे हैं बस यहाँ से ले जाऊंगा मैं, ये भाई अब मेरे साथ ही जाएगा। लो भी घर वापस आ गए हैं, और हमारा जो पटोला ना ये भी आ गया, अब इसे लेके चलते हैं छत पे। और गंदम, अल्लाह अकबर यार, मैं आपको पहले बताया था ना, ये देखो गंदम सारी आ गई है, अब अंकल भी चले गए, अब मुझे खुद उठा एक एक ठेला उठा के पहले तो छत पे लेके जाना पड़ेगा यहाँ से, फिर इस पटोले के अंदर डालना पड़ेगा, काफी खप जाऊंगा। और ऊपर से ना मेरा एक दोस्त आया हुआ है, मतलब कि मेरे दो भाई का दोस्त आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम यार, सही टाइम से आया तुसी यार, बहुत कदम से दिल कर रहा है तन गले ला लवा, आ जाओ यार उठो तो सही, नहीं उधर थल्ले आओ तू, थल्ले आओ, नहीं भाई मैं नहीं, ओ ये तो क्या उतार रहा है, उधर थल्ले पे आओ यार, यार हम दोनों साथ जा रहे हैं ना, हमारा काम है यार, मैं आपको एक और काम देता हूं। हां वो काम आपके ऊपर अच्छा लगता है यार, मैं अकेला खप जाऊंगा यार, यार ये देख ले दो शेर, अभी ये क्या कहते हैं जिम यार, अभी जिम लगने का नहीं बोल रहा था मैं, देखो जिम आपकी बॉडी ऐसे बनी, देसी बॉडी, हां सलमान खान की तरह देसी पहले ही है,
नेचुरल जो है ना वहाँ जाके बाकी फिट करनी है वहाँ पे। यार देखो देखो कितने थैले आके फिर कितने थैले हैं? 22 कितने? एक 50 किलो का होगा ना? 50 किलो के 22 बोरियां छत पे लेके जानी, मैं तो खप जाऊंगा सच में यार। ये माला काका सो गया है। ओहो, किसी तरीके आकी भाई को अपने साल लगाएंगे, आकी भाई से काम करवाएंगे। ये रहा हमारा पड़ोला, इसके ना ऊपर से ढक्कन उतार के यहाँ पे मतलब दाने ये सारे दाने डालेंगे। अभी नहीं, पागल हो? मैं कह रहा हूँ कि छत पे ना सीढ़ियों के नीचे रख लेते हैं, वहाँ बैठ रहेगा। लेकिन आकी भाई कह रहे नहीं यहाँ गराज पे रखना, गराज में रखा तो बुरा लगता ना, तो मैं इन्हें कन्विंस करूंगा भाई छत पे रखें। आकी भाई अभी फिलहाल बाहर गए हैं, तो वो आते हैं फिर उनसे बात करते हैं क्या करना। यार ये लाइट है ना, इसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी है कमरे में, पहले गर्मी थोड़ी है। अभी फिलहाल हम ये करने लगे हैं, ये हमारा जो है ना टॉमी मतलब ये जो चेन है ना, ये ऐसे फालतू में लिया, मैंने सोची यहाँ पे फैंसी चीज लगाऊंगा। ये लाइट तो वैसे ही लग गई, ऊपर से गर्मी भी इतनी ज्यादा है, तो मैं सोचा ये तार लगी रहने दूंगा, लेकिन कोई लाइट वाली चीज ना, फैंसी सी चीज जो मतलब लाइट पे चलती हो, वो ला के यहाँ पे लगाता हूँ। तो अभी फिलहाल चलते हैं बाजार, बाजार जाके कोई अच्छी सी फैंसी चीज़ देख के आते हैं। अभी मौका मिला 15 रुपये कोई सस्ती सी हुई तो अभी ले लूंगा, या अगर कोई ज्यादा महंगी हुई ना फिर घर वालों को बोल के ना बाद में ले लूंगा। तो अभी फिलहाल देख के आते हैं। अभी ना जाओ, अभी रोज़ एक तो लाइट ऑन है, मैं रोज़ है और मुझे काम पे लगा रहे हो। साहब ये देखो ना काम इन्होंने की किया हुआ है, ये सारे ऊपर से ये जो हमारी काको है ये भी कितना खेल रही है यहाँ पे। चलो और नहीं, ये मेरा दोस्त है टॉमी, किसे कहा टॉमी, किसे कहा टॉमी, तेरी भैंस की आंख टॉमी कहा तो कहा कैसे तूने? और ओए बासन, अगर तूने दोबारा इसे टॉमी कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ओए तू टॉमी नहीं है, याद है तुम्हें? तू टॉमी नहीं है, कमरे में आने से पहले पहले ना कमरे की सफाई हो जाए अच्छी तरह, और ये सब कुछ बिछा के ना चादर बिछा देना, तू भी इसके साथ काम कर। यार मेरा कौन सा रोज है? अभी चल, वैसे मेरे आने तक शायद कमरे की सफाई करते, शायद नहीं करेंगे, इनका कोई पता नहीं। अभी बाजार आ गए तो यहाँ से कुछ चीज देखते हैं। इशाल तुम यहीं बैठे रहो। अच्छा हाँ जी, क्या कह रही हो? यहीं बैठती हो? चलो ठीक है। हाँ हाँ मच्छर पड़ते हैं? अच्छा चलो ठीक है, जाते वक्त तुम्हें पीछे बैठा लेंगे। चलो अभी काको का ऐनक भी लेके देनी है। अस्सलाम वालेकुम। बस यार कमरे में लगाने के लिए ना, कोई लटकाने के लिए कोई अच्छी चीज दिखाओ प्यारी सी। हैं नहीं नहीं यार नहीं, जैसे ये लटकाया ना इस तरह, मतलब ये तो ऐसे आपने लटकाया ना, लाइट के लिए कोई ऐसी चीज हो। वो बड़ा है छोटा ये दिखाना, कमरे में लगाने के लिए लाइट के लिए ना। अच्छा यार बात सुन, जो मैं तुझे बताता हूँ जो साइज है उसका लाइट का, ये इतनी बड़ी लाइट है उसके ऊपर ये वाला लगाना है, तो ये ऐसा दिखाओ। वो भी छोटा है, इससे भी बड़ा, इससे दुगना हो। बनाने के लिए दिया होगा, अब कोशिश करें आप अपने ही बनाने के लिए अच्छा ठीक है, काफी सारे चश्मे लगे हैं, इनमें से कोई अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा लेके देंगे चश्मा। साफ तो आप नहीं करके देना, अब जला के भी दिखाओ कितनी को लाइट है इसकी। वो भाई माचिस से नहीं, मतलब लाइट लगा कर दिखाओ, जला यार लाइट जला के दिखाओ यार बस। अभी देखो ये भाई दिखा रहे हैं, कह रहे हैं भाई जला के नहीं था दिखा सकते क्योंकि ना जो इसके अंदर होल्डर लगा हुआ है ना वो इनके पास बल्ब नहीं है उस तरह का। इनके दिखाओ यार, मैंने छोटी बच्ची के लिए लेनी है, वो कह रही है मुझे ऐनक लेके दो, बच्चों वाली दिखाओ भाई। 550 ये फोल्ड है ना, दिखाना फोल्ड करो इसे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो भी तोड़ेगा ही, पहले इन्हें फोल्ड करो। हाँ जी ऐसे ये हो गए, फिर इसको ऐसे और फिर ऐसे, तेरे खले खाना, फिर इन्हें पकड़ाओ। ओए ऐसे नहीं, मैं ऐसे करता हूँ ना। हाँ ही बहुत है, हाँ दो है। ये लेते हैं इशाल के लिए। वैसे ऐनक आप चेक करो कसम से,
ये फोल्ड होती है, इसे खोल दो, ये फोल्ड हुई, ये खुलेंगी, उसके बाद ये जो है ना ये लादा से खुलेंगी। मैंने वो जो भाई ने हाथ में पकड़ा ना वो लाइट लेनी थी, लाइट के अंदर मतलब ऊपर लगता है तो ज़्यादा रोशनी होती है उससे, तो बस वो कैंसिल हो गया, वो नहीं लेना। जिन में से ना ऐनक दिखाओ, लो भाई ईशाल के लिए ये ऐनक डिसाइड कर लिए, पहले वाली ऐनक है ना वो कैंसिल कर दिए भाई। ये सही है, अच्छी है, अब तो नहीं मच्छर आँखों में पड़ते, देखो कितनी प्यारी लग रही है। ऐनक ले लिया, मौसम ख़राब है तो भाई निकलते हैं, जो दूसरी हमने चीज़ें लेनी थी वो बाद में लेंगे, अभी ना मूड नहीं बन रहा, समझा करो, खर्चा कम है अभी। अब ना चलते हैं वापस घर की तरफ, अभी फिलहाल चलते हैं घर की तरफ, घर जाके जो है ना अफ्तारी फ्तूरी करते हैं, काफ़ी लेट हो गई हमें, जो हमने वो लाइट के लिए लेना था ना, मुझे अब याद आया हमारे घर में तो लाइट ही नहीं है, जो दूसरी लाइट है ना बड़ी वाली हम लेके आए हैं उस पर वो फिट नहीं आएगा, तो उसका भी कोई जुगाड़ करेंगे इंशाल्लाह कमरे में, लेकिन अभी फिलहाल घर चलते हैं। लो भाई घर वापस आ गए हैं, और हमारी काकू अब तो मच्छर नहीं पड़े आंखों में, ठीक है। कल बजाइए अभी बदन दरवाज़ा खोलने आते हैं कि नहीं आते, दोबारा फिर शायद उतरना। आ गए दरवाज़ा खोले, अभी हम ना ये जो दाने हैं ये इसके पटोले के अंदर डालने लगे हैं, क्योंकि मैंने सोचा था इन्हें ये पटोला ना छत पे ले जाए, लेकिन इन्हें बार बार कहने के बावजूद कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता इनको। हाँ जी, कैसा बनी नाम है पटोला, पटोला पता नहीं इसे उर्दू में आप इसे क्या कहते हो, जो भी कहते हैं भाई पंजाबी में तो पटोले ही कहते हैं। लो भाई बाइक एक तरफ गली है, और ये ना साकिब इन्हें नीचे उतारो, यार आज मेरा दिल नहीं है, इस बार से नहीं उठा रहा, नहीं तो मैं फिर ऐसे ऐसे उंगली से उठा के रख दूंगा, ऐसे सीधा तो कर, बस ओए होए, तो मैंने ऐसा करना है ये जो ना रस्सियां बांधी हुई है ये खोलनी है, बस जल्दी करो। देखो ये ढक्कन भी उतार दिया, ये देखो इसके अंदर डाल दिया दाने, मस्जिद में लांग करा के आओ इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए, ओ यो लो बड़ी स्पीड में आयो, अब ना आके ये देखो ये हिल रहा ना, इसे सेट करो यार, चलो ठीक है, चलो उठाओ इसे इसके अंदर डालो। हाँ यार चंगा जवान बंदा, तू तो एम का ठेला फड़ना इधर छोड़ देना, जिम जाना है यार, तेनू कदे वास्ते करने आ, कदे वास्ते करने तेनू जिम, लग जाता पता अज, फिर देख एक हाथ ना ठेला उत्ते सुट छड़िया, जान है हुण तेरी वारी, एक बार तेनू चेक कर ले बाद चो बचन गए मैं सुट लांगा, गल सुन भी कुछ सुट बाकी ते पजा मैं सुट लांगा, नहीं नहीं तो इत्थे ही शुरू कर ले यार, उठा ले यार, अरे बस ना जिम में कितने किलो का वेट उठाते हैं तुम, मैं ये कोई 120 किलो, ते कुछ 40 किलो का चुके ना, 120 किलो चुक लेना, भावे छोटा होंदा ओहो, बस बस गया मुंडा, अच करंट पिया यार, चुक ला हूं क्यों हूं तो मैं बोलिया भी नहीं, अच्छा चल ठीक है चुक ला, डेढ़ घंटा होगा किले नहीं चुके जाने, चुक चुक मुंह क्यों खोल लिया तूने, चुक ला चाहे इन्ना किल किल के चुके, मैं तो लगे डेढ़ चल लगा, मुंह खोलिया पिछा कर थोड़ा जा, चल ए बस बस ओए होए होए ए अब यहां पर अच्छी खोल दे, ये तो कभी लेके दो मुंह, इधर करी मुंह, इधर करी ये मुंह, ओए होए मरने वाला होया प्यास, गर्मी की बात पसीना यार, इस महाशय का काम चेक करो, इधर देखो इसे ना मतलब के दाने अंदर फेंकने का कहा था, दाने अंदर फेंक रहे, थैला बाहर निकाल लेना, देखो थैला भी साथ ही गिरा दिया नीचे, आके भाई बोरी कैसे निकालोगे अब अंदर से, मेरे पीछे चलो
भाई पहले ही मेहनत करके मतलब सही तरह थैले को जो बोरी उसे पकड़ के ना दाने अंदर गिरा दे बोरी बाहर निकाल लेता। चलो भाई जिम जाने का कोई फायदा नहीं है ना साकिब, फजूल बेच रहे हैं, इससे अच्छा था घर में काम करवा लेते। पहला थैला था फेंक लिया, वो देखो बाहर निकाल के रख लिया। अब आकी भाई ये दूसरा ना, ये जो दूसरा बोरी है इसे दोबारा फिर खोलेंगे, फिर उसके अंदर डाल देंगे जो दाने हैं ये थैला। अब फिर बोरी अंदर ना फेंक देना, बाहर निकालनी है। वाह याद रहा, तेन मैं याद करा, जो तू सुट लगा होगा ना पीछे मैं थोड़ा देर मारांगे, मैं कहूंगा ओए बोरी नाल कटनी है। ओए ओए बस क्या मुंडा, ओए हो ओए हो ओए हो ओए हो ओए हो डिगन नहीं लगा पैर, वो पैर वेखो चाहे कमन डे ने। ओए हो मजाक नहीं नहीं बेटा ना ना मैं नहीं मानता, बाकी ये छुट्टियां छुट्टियां भी पूरे सोट, बाकी मैं सोटना ये भी जावे। तू 120 किलो ने प्लेटा चुक लेना ना, ओ मैं भी चुक ले यार, सिर्फ मेरे मोटे ते खा दे कर। अच्छा साकिया फाड़े देसी बॉडी बिल्डर एंड जिम बॉडी बिल्डर। बड़ा सोहना काम करने वेरी गुड मार दिता है जरा एक फरिश्ता रह गया, इन जल्दी इन गुनाह कर लिखेगा उस सवाब वाला फरिश्ता ने मार दिता इन्हें मारे गुनाह कौन लिखेगा अभी ना ये जो हमारा गंदम का ना फूल भर गया, तो सिर्फ थोड़ी सी जगह बची हुई है, यहाँ एक और ठेला आ जाएगा मतलब बोरी आ जाएगी गंदम की। हाँ पूरा हाथी में चमार देता है, बस पूछ रहेगी पूछ रह गई हूं आंदा तुम सोच लो यार सची आकिफ तो जाती कर एक थेला हाथी ना सिर्फ पूछ इनकी को रह गई है, इनकी को नहीं इनकी को रह गई बस। हूं अब जो दाने ना सारे हमने इसके अंदर डाल दिए और हमारी हालत काफी ज्यादा गंदी होगी क्योंकि मतलब मट्टी सारी सर में पड़ी है, तो अभी नहाते हैं ना आके फ्रेश होते हैं। और मेरी अभी हो रही है, साकी भाई को काम लगा दिए तब से फ्री खड़े थे, बोरियां इन्हें सीधा करके रखेंगे, जिन अंकल से दाने लिए ना उन्हें वापस करनी है बोरियां सारी। अल्हम्दुलिल्लाह नहा के फ्रेश हो गया और अभी काफी ज्यादा थक गया हूँ, इतना ज्यादा काम किया आपने देखा ही है। तो अभी फिलहाल ब्लॉग का कहते हैं यहीं पे एंड, ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूं आप सब पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को कल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।